Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we are going to discuss that how we can collect information and forecast the demand of the product. This is from organizational perspective and it has some different methods, techniques and sources which can be utilized to collect the maximum information that can benefit organization. लास्ट लेक्चर में हम ये बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फोर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें एक फिजिकल रिसोर्स होता है, सेकंड रिसोर्स हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, थर्ड रिसोर्स इंफॉर्मेशन रिसोर्स एंड द फोर्थ वन इज ह्यूमन रिसोर्स. सो ये जो रिसोर्स हमारे पास इंफॉर्मेशन की शेप में होता है, इसको वी नीड टू ऑर्गेनाइजेशन नीड टू यूज इट इंटेलिजेंटली so that they can be successful into the market. Information कहाँ से collect की जाती है, which are the sources from which we can collect the information. ये सबसे पहली जो information ये हमारे पास competitors की information होनी चाहिए, ये organization के पास होनी चाहिए. Competitors की क्या information, what are their strengths, what are their weaknesses, opportunities and threats to the competitors. Competitors are threat for you, but still there are few other threats for the competitors as well. You need to gather that information. Annual reports जो होती हैं जी corporations की, that can also be considered as a very valuable source of information. इसी तरीके से reports time to time publish होती रहती हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान में business recorder is very कॉमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के रिव्यूज उसके अंदर पब्लिश होते हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जी देन कम्स कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स. हम इसके अंदर उनकी डेमोग्राफिक्स को देख लेते हैं, एजुकेशनल लेवल को देख लेते हैं, लाइफ स्टाइल को देख लेते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देख लेते हैं. जी किसी भी परस्पेक्टिव से हम कस्टमर्स के अंदर एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी, तो उसके अंदर उन्होंने 2005 से 2030 के तक का एक पॉपुलेशन का ट्रेंड दिया हुआ था. उसको फाइव ईयर की उसके अंदर स्लॉट्स में डिवाइड किया था, जैसे 0 to 4 है और 5 to 9 है एंड 10 to 14. इस तरीके से उन्होंने उसको तकरीबन 70 या 75 तक लेकर गए हुए थे. और देर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इन दैट पर्टिकुलर टेबल वॉज के 2030 में पाकिस्तान की जो 50% पॉपुलेशन हो जाएगी, दैट विल फॉल विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 14 to 30 ईयर्स. सो 14 to 40, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये थी कि 2030 के अंदर जो पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन है, दैट विल फॉल विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 40 ईयर्स. तो ये हमारे पास वो ट्रेंड्स पता चल जाते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट्स को डिजाइन किया जाता है या एंटिसिपेट किया जाता है कि जी वो 2030 के अंदर क्या ट्रेंड होगा और उस ट्रेंड को हम लोगों को किस तरीके से वी नीड टू प्लान टुडे. ठीक है, आज उसको प्लान करेंगे सो दैट वी कैन एग्जीक्यूट, और उस एग्जीक्यूशन के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट और वो कॉन्टिन्यूसली वो चीजें हमारे साथ चलती रहती है. देन कम्स देयर आर फ्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल फ्रॉम विच वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे पीरियोडिकल्स हैं हमारे पास, मैगजीन्स हैं हमारे पास, एक्सपर्ट्स जो होते हैं, वो तमाम के तमाम लोग दे केप्ट ऑन गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट ट्रेंड्स. वो तमाम इंफॉर्मेशन दैट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड फूड फॉर थॉट. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जी, अब वी नीड टू ऑर्गेनाइज दैट इंफॉर्मेशन. It is the responsibility of the organization and the people dealing with the information that they need to give a particular pattern to the to that information. जी marketing information system को हम define करते हैं. Marketing information system consists of people, equipment and procedures. दोबारा मैं आपसे बात कहूंगा कि आप यहां पर यह देखिए कि बात ही हमारे पास human resource से शुरू हो रही है, then comes equipment. जी इक्विपमेंट की बात करते हैं तो आपके पास लैपटॉप्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं. थ्रू दैट यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, यू गिव इट ऑर्डर एंड प्रोसीजर्स. जी टू गेट टुगेदर, कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट, एनालाइज, इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स.
वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हम डिसमिनेट करते हैं लोगों को, और उसका बुनियादी पर्पज ये होता है कि उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जा सकें, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशंस कैन रिमेन कंपेटिटिव, कैन रिमेन लीडर इन द इंडस्ट्री, और उनका जो मार्केट शेयर है उसको वो रिटेन कर सकें, जो कस्टमर्स की लॉयलिटी है उसको मेंटेन कर सकें, सो दैट दे कैन बी सक्सेसफुल इनटू द मार्केट। जी जब हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इट कंप्राइजेज ऑफ थ्री थिंग्स। जी सबसे पहली बात आती है जी इंटरनल रिकॉर्ड्स, द हार्ट ऑफ द इंटरनल रिकॉर्ड सिस्टम इज द ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। जी द फॉलोइंग स्लाइड विल एक्सप्लेन इट फर्दर, बट लेट्स हैव अ वेरी लुक के कहां पर आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद किस तरीके से आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट यूनिट्स को इन्वॉल्व करते हैं सो दैट दोज ऑर्डर्स कैन बी फुलफिल्ड। जी सेकेंड जो हमारे पास कैटेगरी है इसके अंदर वो दैट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमैटिक डिजाइन, कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा एंड फाइंडिंग रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक मार्केट सिचुएशन फेसिंग द कंपनी। जी मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट की जाती है, करवाई जाती है, एक्सटर्नल से भी करवा सकते हैं कि जी जो अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिसमें हमारे लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बिकम्स अ चैलेंज, जिसमें अपॉर्चुनिटी को प्रॉपरली हाईलाइट नहीं कर पा रहे जी, तो उस या किसी भी सेगमेंट के बारे इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है, कोई भी एरिया जिसको हम लोग अपनी अपने लिए थ्रेट कंसिडर करते हैं उससे रिलेटेड हम एक स्टडी कंडक्ट करवाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर सो दैट वी कैन टेक सम वेरी गुड स्ट्रेटेजिक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट्स और दैट इंफॉर्मेशन। जी देन कम्स मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इट इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज यूज बाय मैनेजर्स टू ऑब्टेन एवरी डे इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग एनवायरमेंट। जी दोबारा कहूंगा जी ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है जी इट इज द की टू सक्सेस। हमारे पास अब जो करंट जो एनवायरमेंट है इसमें बहुत सारे फैक्टर डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन करेंसी फ्लक्चुएशन है जी। इसी तरीके से रॉ मटेरियल को हम लोग देख लेते हैं कि रॉ मटेरियल की जो एक्सेसिबिलिटी है जी, और उस एक्सेसिबिलिटी की वजह से कोई भी कंपनी वो कॉस्ट लीडरशिप रिटेन कर लेता है जी अपने पास, वो जाके वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेता है और वो कोशिश ये करता है मैक्सिमम रॉ मटेरियल जब परचेज कर लिया तो उससे फिर जो आउटपुट आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर वट एवर द प्रॉफिट यू आर टू चार्ज, यू आर अलाउड टू चार्ज, तो उसके अंदर जी फिर बहुत सारा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जी लेट्स टॉक वन बाय वन, जी लेट्स डिस्कस दीज थ्री थिंग्स विच आर इंटरनल रिकॉर्ड्स की बात की थी जी, मार्केटिंग रिसर्च की बात की थी और मार्केटिंग इंटेलिजेंस की बात की थी, लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स वन बाय वन। जी सबसे पहली बात आपके पास हमारे पास जो आती है जी दैट इज ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल। ये जो ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल होती है जी, आप ऑर्डर लेते हैं या आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, जैसे हम लोग ये इसमें एंग्रो की बात कर रहे थे जी लास्ट लेक्चर के अंदर, तो एंग्रो वाले क्या करते हैं जो ऑल्पर्स वाले हैं वो ऑर्डर रिसीव करते हैं, उस ऑर्डर को फिर प्रोसेस करते हैं, वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं, उनके पास फोरकास्टिंग भी होती है जी, उनके पास वो जो प्रीवियस रिकॉर्ड होता है वो भी होता है, वो डिमांड सारी की सारी वो एंटिसिपेट भी कर रहे होते हैं, प्रीवियस डिमांड भी मौजूद होती है, उसकी बेसिस के ऊपर जो एक्चुअली जो मार्केट से ऑर्डर आते हैं जी उसके ऊपर फिर इनवॉइसेस प्रिपेयर करते हैं, जो पेमेंट मेथड्स हैं वो देखते हैं जी, क्रेडिट के ऊपर है, सेल के ऊपर, अगर सेल कैश के ऊपर है, और अगर कैश के ऊपर है तो जी उसकी उसको किस तरीके से हम लोगों ने कैटर फॉर करना है, या क्रेडिट है तो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हाईलाइट हुई हुई है, तो वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं जी वो ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल के अंदर कवर अप होते हैं। सेकंड जो हमारे पास जो चीज आएगी जी दैट इज लेट्स डिस्कस दिस सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जी हम पर्सनल का टारगेट बना देते हैं दैट यू मस्ट नीड टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट, ये वो सेलिंग टारगेट्स होते हैं जो कि असाइन कर दिए जाते हैं और वो सेलिंग टारगेट्स वन मस्ट अचीव दो सेलिंग टारगेट्स। जी दोबारा से हम लोगों ने वो जो बात की थी ना ऑब्जेक्टिव्स की या गोल्स की बात की थी कि वो रैंक्ड होते हैं और वो क्वांटिफाइड होते हैं, तो वो क्वांटिफिकेशन यहां पर आ जाती है जी, उसके अंदर हम बता देते हैं कि जी ये फिगर आप टच करेंगे या इतने नंबर ऑफ यूनिट्स यू नीड टू सोल्ड, और हर सेल्स रैप का, हर सेल्स पर्सन का हम लोग जो डेटा है उसको मेंटेन करते हैं।
और वो जो पूरे, दोबारा मैं कहूंगा, वो जो पूरी सेल्स फोर्स है जी, उसका डाटा एज अ होल आ जाता है जी। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान इज सेग्रीगेटेड इनटू थ्री रीजन्स, एक हमारे पास साउथ है, एक हमारे पास सेंट्रल है, एंड द थर्ड वन इज जी हम उसको नॉर्थ जो कह देते हैं जी। तो इसके अंदर पर डिफरेंट सेल्स टीम बना लेते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी हो सकती है, वो सिटी लेवल के ऊपर भी हो सकती है, वो किसी भी लेवल के ऊपर हो सकती है। तो हमारे पास ये टॉप लेवल के ऊपर जाकर हम फिर टोटल अपना मार्केट शेयर देख लेते हैं या टोटल सेल्स देख लेते हैं, ये चीज हम लोगों को हेल्प आउट करती है। देन कम्स की डेटाबेसिस एंड डेटा माइनिंग। अब इन्हीं दो जगहों से हम लोगों को और मिल जाता है जी, इंफॉर्मेशन मिल जाती है या इनपुट मिल जाता है जी। इन्हीं दो जो ऑर्डर टू पेमेंट साइकिल है और सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इनका आउटपुट जो होगा जी वो डेटाबेसिस और डेटा माइनिंग के लिए इनपुट होगा। कैसे कि आप क्या करते हैं कि आप ये देख लेते हैं कि पास्ट सीजन में या पास्ट फ्यू मंथ्स आपका रिकॉर्ड क्या रहा जी। वो पास्ट रिकॉर्ड जो होता है उसकी बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर जो डिमांड है वो एंटिसिपेट करते हैं जी। और फ्यूचर जो डिमांड आप एंटिसिपेट करते हैं वो आप सारे डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से कन्वे करेंगे कि जी फ्यूचर में हमारे पास ये डिमांड आएगी। सो यू मेक योर सेल्फ enough competent to fulfill that demand जी। रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, पैकेजिंग का मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, डिलीवरी ट्रक्स हमारे पास होने चाहिए, हमारे पास इनफ फंड होने चाहिए ताकि हम उसको मार्केट तक पहुंचा सकें जी। और इसी तरह से हमारे पास हर एक प्रोडक्ट जी, जैसे ऑलपर्स है, ऑलपर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, तरंग है, तरंग हमारे पास एक प्रोडक्ट है जी। वो अच्छा, अब इस तमाम प्रोडक्ट का डाटा होगा जी हमारे पास कि हम अब तक कितनी सेलिंग कर चुके हैं और दोबारा कि उसकी फ्यूचर डिमांड क्या हमारे पास हो सकती है, या हम कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लें कि इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए जी, या हम कौन कौन से ऐसे स्टेप लें कि अपनी किसी और प्रोडक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए इसके जो कस्टमर्स हैं वो उसकी ऊपर शिफ्ट हो जाए, दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। और दूसरी चीज है कि हमारे पास जो सेल्स स्टाफ होता है जी, उनसे भी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास डेटाबेस में स्टोर्ड होती है, दैट कैन बी रिट्रीव टाइम टू टाइम सो दैट द नेसेसरी डिसीजंस कैन बी टेकन जी। मार्केटिंग इंटेलिजेंस है जी, न्यूज एंड ट्रेड पब्लिकेशंस हमारे सामने आ जाती है। अभी आपसे बात हो रही थी जी, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात की थी, टाइम्स मैगजीन की बात की थी, बिजनेस रिकॉर्डर की बात की थी, यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की बात की थी, या अगर आप पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक है जी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है जी। उन्होंने काफी सारा डाटा उनके पास है, सेस्ट्रिक है जी हमारे पास, तो बहुत सारी हमारे पास ट्रेड पब्लिकेशंस हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो टाइम टू टाइम जो उसको अंदर पब्लिश करते रहते हैं, या ये और हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पब्लिकेशंस आती हैं जी, वो फूड फॉर थॉट होती है जी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस जी। और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, वो बहुत सारा बेनिफिट अवेल कर सकती हैं जी उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर, वो एस्टेब्लिश करती हैं या ये देखती हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और हाउ वी कैन बी एबल टू टारगेट और टू अवेल द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट फास्ट चेंजिंग ट्रेंड। सेकंड हमारे पास जो चीज आती है जी, दैट इज मॉनिटर सोशल मीडिया साइट्स। आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते होंगे जी, कुछ लोग ट्विटर के ऊपर भी होंगे, कुछ लोग लिंक्डइन के ऊपर भी होंगे जी। ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है इसमें टाइम टू टाइम पीपल केप्ट ऑन शेयरिंग देयर feelings, their sentiments or their attitude toward a certain product जी। इसके अलावा ये भी है कि हमारे पास बहुत सारी organizations तो नहीं बल्कि कहना यह चाहिए कि तमाम organizations they are on all these social networking sites जी, और वो टाइम टू टाइम पोस्ट देती रहती हैं, वो फीडबैक रिसीव करती रहती हैं, उस फीडबैक को प्रोसेस भी करती हैं जी अपने कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का जी। प्रोडक्ट्स के बारे में, न्यू जो प्रोडक्ट्स होती हैं, डील्स होती हैं, उसको शेयर करती हैं, और उस शेयरिंग में जो पोस्ट उनके पास आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं जी, उनको एड्रेस करते हैं, वो उनको हेल्प आउट करते हैं कि वो उसको असेस कर सके कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी को की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। द थर्ड थिंग इज मीट विद द कस्टमर्स जी। आप कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट आप इंटरेक्शन करते हैं जी, आप इंटरव्यूज करते हैं, क्वालिटेटिव हो सकते हैं जी, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं जी कि आपका इस प्रोडक्ट के बारे में क्या आपकी इंफॉर्मेशन है जी, और उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर ये देखते हैं कि कस्टमर की क्या परसेप्शन है, व्हाट यू आर ऑफरिंग और व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग।
और इसको किस तरीके से हम लोग इस ब्रिज को, इस गैप को कम से कम कर सकते हैं, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग एंड व्हाट कस्टमर इज परसीविंग. सप्लायर्स के साथ बात करते हैं, वो लोग जो आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो आपको इनपुट्स ऑफर कर रहे हैं, और उनके साथ डिस्कशंस मीटिंग्स के दौरान पता चलता है कि व्हाट एल्स दे कैन ऑफर टू यू, और किस तरीके से वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को जी. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जी, वो लोग द पीपल हु आर सेलिंग योर आइटम्स जी. जैसे आप कैटरपिलर के शूज देखते हैं जी, वो हमें कैटरपिलर के आउटलेट्स तो बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो यहाँ पर कोलैबोरेट करके पाकिस्तान में किसी और शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ दे आर सेलिंग देयर शूज जी. तो वो डायरेक्ट इनपुट देते हैं कंपनी को कि दिस इज द इनपुट फ्रॉम द कस्टमर्स, क्लाइंट्स ये कंप्लेंट्स हैं, ये चीजें हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर यू नीड टू टेक सम डिसीजंस, करेक्टिव मेजर्स आपने कुछ लेने हैं, या यू नीड टू टेक सर्टन स्टेप्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड अदर मैनेजर्स, और आपके डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं जी, उनसे भी डिस्कशंस करते हैं, उनसे बात करते हैं दैट हाउ दे कैन बी एबल टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स जी. इम्प्रूविंग मार्केटिंग इंटेलिजेंस जी, सेल्स फोर्स जी, कितनी ज्यादा आपकी बात हो रही थी ना लास्ट लेक्चर में आपसे ह्यूमन रिसोर्स की, दे आर वेरी क्रिटिकल टू द ऑर्गेनाइजेशन. ऑल फोर रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑल आर क्रिटिकल, बट ह्यूमन आर द मोस्ट, क्योंकि ह्यूमंस आर द वन हु मेक यूज ऑफ ऑल दोज थ्री रिसोर्सेज, जो कि फिजिकल है, इंफॉर्मेशनल है और फाइनेंशियल है. उसको यूज करते हैं जी, उसको कोई मीनिंगफुल शेप में लेकर आते हैं. तो वो जो तीन रिसोर्सेज होते हैं जी, जितना ज्यादा आपका एम्प्लॉई, किसी भी इदारे का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई जितना ज्यादा उसके साथ लॉयल होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी. सेकेंड थिंग इज दी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, द पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देयर सर्विसेज कैन बी हायर्ड जी. वो कंसल्टेंट्स के तौर के ऊपर आपके साथ काम कर सकते हैं, आप उनसे, वो इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स के बारे में, इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में, सोसाइटी में जो ट्रेंड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं वो उसके बारे में जब बात करते हैं, तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ऑथेंटिक होती है, और उसकी बेसिस के ऊपर द ऑर्गेनाइजेशन टेक सम नेसेसरी स्टेप्स जी. देन कम्स एस्टेब्लिश इंडस्ट्री नेटवर्क्स जी, ये एक बड़ा काफी जरूरी सा काम है कि जिसमें इंडस्ट्रियल नेटवर्क जो है वो एस्टेब्लिश किया जाए जी. जैसे सीमेंट इंडस्ट्री का नेटवर्क पैकेजिंग के साथ, जैसे वो पेपर बैग्स बनाते हैं जी, इसी तरीके से अगर सीमेंट फैक्ट्री का जो इफ दे हैव अ वेरी गुड नेटवर्किंग विद द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो फिर आपका उतनी ही ज्यादा आपकी सेल इंप्रूव होती है और आपकी प्रोडक्ट के बारे लोगों की राय अच्छी होती है जी. इसी तरीके से आप देखें कि ये जो लैपटॉप्स हैं, ये जो कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इफ दे हैव सम वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद द मल्टीनेशनल, जैसे हम कहते हैं जी पाकिस्तान टोबैको कंपनी है, इफ दे हैव सम वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद पाकिस्तान टोबैको कंपनी, या हम ये कह देते हैं कि जी यूनिवर्सिटीज के साथ है, स्टूडेंट्स के साथ है, तो वो फिर उसके ऊपर ये होता है कि मार्केट शेयर इंप्रूव होता है, दे केप्ट ऑन सेलिंग द आइटम्स टू दोज सिलेक्टेड पीपल, और उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन को मिनिमाइज किया जा सकता है, लेकिन जैसे टर्नओवर इंप्रूव करता है तो आप एक रीजनेबल प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं जी. तो इंडस्ट्रियल नेटवर्क भी आपके पास होना चाहिए. देन कम्स कस्टमर एडवाइजरी पैनल जी, आपके पास देयर मस्ट बी अ पैनल हु इज इन एडवाइजरी कैपेसिटी टू टेक सर्टन करेक्टिव मेजर्स, और उसको किस तरीके से हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट की तरफ हम लोग जा सकते हैं. मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड द इंटरनेट जी, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इंडिपेंडेंट ऑनलाइन फोरम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट फीडबैक साइट्स हैं, कस्टमर रिव्यू एंड एक्सपर्ट ओपिनियन साइट्स हैं, कस्टमर कंप्लेंट साइट्स हैं. अगर आपका आपने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको ऐसा करने का इत्तेफाक नहीं हो, सो डू मेंशन इट, लाइक कंपैरिजन ऑफ एप्पल, सैमसंग, एचटीसी एंड फ्यू अदर मोबाइल कंपनीज प्रेजेंट इन द मार्केट जी. तो आपके सामने पूरा एक चार्ट आ जाता है जी, और वो चार्ट आपको बता देता है कि कौन सा फीचर किस मोबाइल के अंदर नहीं है, और किस मोबाइल की क्या स्ट्रेंथ है, और किस मोबाइल की क्या वीकनेस है जी. इसी तरीके से आप ये देखें कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब परचेज हमें हम लोगों को करना होता है तो उसके रिव्यूज अवेलेबल होते हैं जी.
और उन रिव्यूज के ऊपर क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं दैट वेदर वी नीड टू परचेज दैट प्रोडक्ट, परचेज दैट कमोडिटी और नॉट। तीसरी चीज ये है कि अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है कि अपने पोर्टल्स के ऊपर उन्होंने चैटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर ली अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आप उसके ऊपर चैट कर लेते हैं या अपनी जो कंसर्न है वो शो करते हैं या आप उनसे इंफॉर्मेशन और मांग लेते हैं कि जी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए इस प्रोडक्ट से, इस चीज के हवाले से, तो वो आपको वो तमाम के तमाम चीज वो अवेलेबल कर देते हैं जी। तो आपके पास अगेन यहाँ पर जैसे इन्होंने 3-4 सोर्सेज ये दिए हुए हैं जी, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्स एजेंट, फीडबैक साइट्स, आपके पास जो जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सोफिस्टिकेटेड कह लीजिए या मल्टीनेशनल या जितनी ज्यादा वो वेल स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड होगी उतनी ज्यादा उनकी पास ये इस किस्म के एवेन्यूज भी अवेलेबल होंगे। कस्टमर रिव्यू एंड एक्सपर्ट ओपिनियन साइट्स जी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स कस्टमर कंप्लेंट साइट्स जी। यूजिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जी, आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं जी, शेयर करते हैं जी। और वंस यू स्टार्ट शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, उसका फायदा ये होता है दैट एम्प्लॉय और योर ह्यूमन रिसोर्स दे प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड दे प्रोसेस इन सच अ मैनर दैट दे कैन मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जी। मैं दोबारा आपसे कहूंगा ये इन द फॉलोइंग फ्यू स्लाइड्स वी विल डिस्कस कि हमारे पास ये कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन हो सकती है जी, वो डेमोग्राफिक्स क्या चेंज हो रही है, एजुकेशन लेवल चेंज हो रहा है, वो अर्बन से रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं या उसके अंदर वो जो ज्वाइंट फैमिली और वो न्यूक्लियस फैमिली का ट्रेंड है वो इवॉल्व हो रहा है, तो उसकी बेसिस के ऊपर भी पीपल स्टार्ट मेकिंग थिंग्स जी। और वो जितना ज्यादा क्विक होगा उतना ज्यादा डिसीजन क्विक होगा और अल्टीमेटली हमारे पास वो जो बेनिफिट्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे जी। लेट्स डिस्कस दिस थिंग एनालाइजिंग द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अभी जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे जी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जी, सबसे पहले तो चीज आती है जी नीड्स एंड ट्रेंड्स हमारे पास क्या आते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज नीड्स एंड ट्रेंड्स जी। वो जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की अभी हम लोग बात कर रहे थे, नीड्स एंड ट्रेंड्स है जी। इट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड शॉर्ट लिव्ड। एक फैड होता है जी, थोड़े वक्त के लिए एक चीज आती है, एक ट्रेंड चेंज होता है, बल्कि मैं उसको ट्रेंड नहीं कहूंगा जी, ट्रेंड हैज सम डिफरेंट मीनिंग। तो एक हवा चलती है और वो हवा बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है जी, पीपल गेट यूज टू ऑफ इट एंड देन दे स्टार्ट इग्नोरिंग दैट थिंग जी। दूसरी चीज हमारे पास एक होती है जी, ट्रेंड होती है जी, मोर प्रेडिक्टेबल एंड ड्यूरेबल देन अ फैड, इट गिव्स फ्यूचर इनसाइट जी। वो फ्यूचर ट्रेंड आपको बता देता है, वो शॉर्ट लिव्ड नहीं होती बल्कि वो लॉन्ग लिव्ड होती है जी, और वो उसकी बेसिस के ऊपर आप फ्यूचर को असर्टेन या डिटरमिन कर सकते हैं कि जी फ्यूचर में जो हमारे पास ट्रेंड सामने आएंगे वो क्या होंगे जी। और जो द थर्ड थिंग इज मेगा ट्रेंड जी, इट्स लार्ज सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इट्स स्लो बट लास्ट फॉर 7-10 ईयर्स। जैसे इसमें ये जो कार का है, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे ये है कि जैसे फ्यूल कंजम्पशन की जब हम लोग बात करते हैं, सो वी नीड मोर फ्यूल एफिशिएंट कार्स, और हमारे पास ये जो हाइब्रिड कार्स का कॉन्सेप्ट एक आ रहा है कि जिसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके जी, ये जी एक मेगा ट्रेंड है जी, इट लास्ट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स जी। और इसी तरीके से जब हम कैलोरीज की बात करते हैं या जब हम लोग जंक फूड की बात करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज की बात आती है जिसकी वजह से ऑब्सिटी और ये फिर शुगर और ब्लड प्रेशर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उसमें क्या होता है कि जो ये ट्रेंड ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, बट वो फ्यूचर इनसाइट देता है कि लॉन्ग टर्म के अंदर पीपल स्टार्ट चेंजिंग देयर टेस्ट एंड चेंजिंग देयर प्रायोरिटीज, सो by visualizing or by anticipating those priorities we need to develop something according to their preferences ji. Major environmental forces hain ji, sabse pehle baat karte hain ji, let's start, ye demographics hai, natural hai, technological hai, socio cultural hai, economic hai, political legal hai ji. Let's start talking about demographics ji. वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ जी, 19% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन दे फॉल विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 15-24 ईयर्स जी। पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड और भी ज्यादा है, 30-40% है जी। यंग कंज्यूमर्स हैं, इनकी डिमांड्स, ये लोग बहुत डिफिकल्ट लोग हैं जी, द पीपल आर वेरी डिफिकल्ट, दिस पर्टिकुलर टारगेट मार्केट दे हैव देयर फास्ट चेंजिंग डिमांड्स जी।
अच्छा, अब इन ये लोग इसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स के साथ हैं, ये दे आर ऑल टाइम द पीपल आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी जी, मोबाइल फोन हाथ में है या आपके पास लैपटॉप्स हैं, दे केप्ट ऑन स्टडीइंग एंड रिव्यूइंग द थिंग्स और उसकी बेसिस के ऊपर एक दूसरे को सजेशंस भी देते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आपके जो दूसरे सेलर्स हैं दे स्टार्ट दूसरे जिसकी बेसिस के ऊपर आपके जो दूसरे बायर्स हैं दे स्टार्ट परचेजिंग दोज थिंग्स विच आर रिकमेंडेड बाय दीज पीपल। तो वो पहले इतना ज्यादा शायद नेटवर्किंग नहीं थी, लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की वजह से अब ये जो हमारे पास और जो टेक्नोलॉजिकल इसमें डिफरेंट जो अवेलेबल हैं चीजें, उसकी वजह से क्या हुआ है कि नेटवर्किंग ज्यादा स्ट्रांग हो गई है जी, ज्यादा कोहेसिव हो गई है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिसीजन ज्यादा तेजी से चेंज होते हैं जी, और ज्यादा तेजी से रिव्यूज पढ़ते हैं, ज्यादा तेजी से इनका ओपिनियंस बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसमें मैं दोबारा आपसे कहूंगा यहीं पर कि यंग पॉपुलेशन के अंदर एक चीज है कि कहा यह जाता है जी दे हैव सेवन पॉकेट्स। इवन अब पाकिस्तान में भी एक रिपोर्ट उस दिन मैं देख रहा था यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की के जो पाकिस्तानी यंग कंज्यूमर्स है दे ऑल्सो है, वो मेल और फीमेल का दोनों का उन्होंने लिखा हुआ था कि दे हैव पार्ट टाइम, एक ट्रेंड इवॉल्व हो रहा है कि जिसमें वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं जी, और वहां से वो रेवेन्यू जनरेट कोई पैसे उससे बनाते हैं और दे स्टार्ट स्पेंडिंग लेविशली या उसको फिर फैमिली के ऊपर स्पेंडिंग किसी भी तरीके से करते हैं जी। और बाकी की जो सिक्स पॉकेट्स है उसके अंदर आपके मेटरनल एंड पेटरनल, जैसे दादा दादी नाना नानी, दीज आर फोर, एंड देन फादर एंड मदर, दीज आर सिक्स। तो ये टोटल सिक्स हमारे पास हो जाते हैं, सेवंथ वन इज पार्ट टाइम जॉब्स। तो दीज आर सेवन पॉकेट्स जी, ये कंटिन्यूस दे केप्ट ऑन सपोर्टिंग दीज यंग कंज्यूमर्स जी, और उनको ना सिर्फ ये कि बल्कि वो पैसे मिलते हैं, बल्कि ये कि बड़ी एक वो जो इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज से आ रही होती है ये उसको भी बहुत ज्यादा कंसिडर करते हैं। यूरोप और अमेरिका में भी ये चीज उन्होंने करनी शुरू की है कि दे सेड दैट द चिल्ड्रन दे मस्ट लिव विद देयर पेरेंट्स जी, तो उसके लिए फिर दे स्टार्ट गिविंग मनी टू देम, और वो उनको कोशिशें करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करें सो दैट दे इंश्योर दैट दे केप्ट ऑन लिविंग विद देम जी। तो वो एक चीज, देन कम्स पॉपुलेशन एज मिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, पॉपुलेशन ग्रोथ थी, पॉपुलेशन एज मिक्स की, एथनीसिटी की बात कर रहे थे अदर मार्केट जी। एथनीसिटी हम लोग जैसे हम एथनिक ग्रुप्स जी, पाकिस्तान में क्या एथनिक ग्रुप्स होंगे, जैसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि जी जो रीजनल बेस्ड के ऊपर हम लोग जो डिफरेंट आ जाते हैं, पंजाब, बलोचिस्तान, के पी के, बल्तिस्तान एंड सिंध, तो ये हमारे पास एक एथनी सिटीज हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट वेदर है, ऑल टुगेदर तो डिफरेंट नहीं है बट स्टिल इट इज डिफरेंट, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफरेंट हो जाती हैं ये काफी हद तक, तो उसकी वजह से भी चीजें फिर आपको उस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। देन कम्स एजुकेशन ग्रुप्स जी, नाउ वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज जी, किसी दौर में सिर्फ कितनी 25-30 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, तो फिर वहां पर एजुकेशन जो थी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते थे तो बड़ा स्क्वीज हो जाता था, वो बहुत बहुत सिलेक्टेड कॉम्पोनेंट जो था वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकता था या उसको अवेल करता था, बट नाउ वी हैव लॉट ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंप्रूव हुई है जी, अवेयरनेस इंप्रूव हुई है, उस अवेयरनेस की वजह से भी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो प्रायोरिटीज हैं जी, वो चेंज होती जा रही हैं जी, और उस चेंज की वजह से भी जो प्रोडक्ट्स या कंपनीज हैं दे आर फेसिंग अ लॉट, और दे आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस ड्यू टू दिस इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सेक्टर जी। देन कम्स हाउसहोल्ड पैटर्न्स जी, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स जी, पाकिस्तान में एवरेज फैमिली मेंबर्स कितने हैं जी, दोबारा से मैं आपसे कहूंगा जैसे हम लोग पेप्सी की बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में कि किसी दौर में 250 मिलीलीटर पेप्सी हमारे पास अवेलेबल होती थी, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि नहीं पाकिस्तान के अंदर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है सो लेट्स गो फॉर 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जी, अब मेरे ख्याल गालिबन 2 या 2.5 लीटर
भी उसको अवेलेबल मार्केट में है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, तो वो उस कल्चर को फ्रोग या उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, इवन इस ट्रेंड को अगर आप ऑल्पर्स के अंदर देखें तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी रमजान में पर्टिकुलरली जी इस चीज को प्रोजेक्ट किया जाता है कि हाउस होल्ड पैटर्न है जी उसको। फिर आप ये देखते हैं कि जिस जगह के ऊपर न्यूक्लियस फैमिली या हॉस्टल लाइट ज्यादा, अकेले लोग ज्यादा रह रहे हैं, तो फिर छोटी पैकिंग में आपको 100 ml या 250 ml या जैसे टूथपेस्ट की अगर हम लोग बात करें या किसी और चीज की, तो स्मॉल पैकेजिंग के अंदर, वो डेफिनेटली ml में तो नहीं होगी लेकिन उसको स्मॉल पैकेजिंग के अंदर उसको अवेलेबल करते हैं। न्यूक्लियस फैमिली होता है जी, ऐसा नहीं होता कि आप बल्क में चीजें ले आए, क्योंकि जब लिमिटेड इनकम होगी तो फिर लिमिटेड आपका एक्सपेंडिचर भी होगा और उस लिहाज से आपको चीजें जरूरत भी होती है जी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो फैक्टर्स हैं जी, ऑल दीज आर रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स जी। देन कम्स जी सेकेंड वन एज द वर्ल्ड एज अ विलेज। इफ द वर्ल्ड वर अ विलेज ऑफ 100 people, 61 एशियंस होंगे जी, और हमारे पास अनएबल टू रीड 33 हैव सेल फोन्स जी, 18 है जी अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, 11 ओवर 60 ईयर्स ओल्ड होंगे, कार्स इन द विलेज इनएडिक्वेट, 18 कार्स इन द विलेज, 63 इनएडिक्वेट सैनिटेशन, 67 नॉन क्रिश्चियंस, 30 अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड, 53 लिव ऑन लेस देन $2 अ डे, 26 स्मोक एंड 14 ओबेसिटी एंड 1 हैविंग एड्स। वर्ल्ड एज अ विलेज इसको ट्रीट किया जाता है कि अगर हम पॉपुलेशन 100 लोग हैं तो उसके अंदर फिर इन्होंने ये दिया हुआ है कि जी अगर 61 एशियंस हैं, इसका मतलब कि बाकी जो हमारे पास 39 है दे आर फ्रॉम अदर रीजन्स जी। अगर इफ 18 आर अनएबल टू रीड, ये पढ़ नहीं पाते जी, तो बाकी जो हमारे पास 82 हैं दे आर एबल टू रीड। पॉजिटिव चीज ये भी है जी, ये थोड़ा सा स्लाइड भी इन्होंने अच्छा जी। तो ये हमारे पास एक इन्होंने इसका एक एक, एक स्टैटिस्टिक्स है जी, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन जी। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होती है जी, इनकम है, परचेजिंग पावर कैसे इंप्रूव होती है, इंक्रीज होती है, इट्स बैक इन मेरा ख्याल गालिबन ये 2000 के आप कह लें कि इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी, तो क्या हुआ कि जी कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ मूव होना शुरू हुआ पाकिस्तान। मुझे कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी होती है ना कि जिसमें क्या करते हैं कि दैट पीपल स्टार्ट बाइंग थिंग्स और स्पेंडिंग लेविशली, और वो क्रेडिट कार्ड्स या डेट की बेसिस के ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स या लीज के ऊपर चीजों को लेना शुरू कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान में उस दौर में बैंक ने बहुत ज्यादा तरक्की की इन द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी, सो दे स्टार्ट गिविंग लोन्स, दे स्टार्ट गिविंग थिंग्स टू द पीपल ऑन इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो फिर क्या हुआ कि जी इंस्टॉलमेंट के ऊपर लोगों ने चीजें खरीदनी शुरू की, जिसकी वजह से दोबारा कहूंगा कि परचेजिंग पावर इंप्रूव भी हुआ, ऑल दो जो लोग उसको मैनेज नहीं कर पाए द पीपल रिमेन इन डिफिकल्ट सिचुएशन जी। पहली बात तो हम लोग ये करते हैं कि जी डेट क्रेडिट कार्ड चार्ज कर लेते हैं या कोई लोन्स लेकर तो चीजें ले ली जाती हैं जी, दिस इज समथिंग डेट, देन क्रेडिट की बात होती है जी। और क्रेडिट कौन दे देता है जी, बैंक्स दे देते हैं जी क्रेडिट। जैसे भी आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जो 7 पॉकेट्स की, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं वो 3 हैं जी, वो पेरेंट्स हैं, वो पीयर्स हैं, वो मैस मीडिया। और कहा यह जाता है कि पेरेंट्स एंड पीयर्स आर गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट ओनली गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ मनी एज वेल जी। आपको कुछ चीज खरीदने की जरूरत है तो आप उनसे पैसे भी मांग लेते हैं, और ये ऐन मुमकिन है पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में कि आपको वो चीज घर बैठे ही मिल जाए जी। तो दिस इज अनदर, ये हमारे यहाँ एक 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 दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। और उसमें दोबारा मैं आपसे कहूंगा कि उसमें एट टाइम्स ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं फॉर मैटरनल एंड पैटरनल, दे आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल जी। सेविंग्स का ट्रेंड क्या होता है, यंग कंज्यूमर्स के हवाले से ये कहा जाता है कि जी उनमें सेविंग्स का ट्रेंड नहीं होता, सो नो मैटर वेदर दे हैव 6 पॉकेट्स 7 पॉकेट्स, तो वो दे स्टार्ट lavishly ji, as soon as they have funds they have money they start spending like anything, so savings ka trend unme nahi hai, but hamare jo ye jo ye savings ka ye wali jo baat ki jati hai it's quite true in american and european perspective, balki lekin asia mein ye cheez thodi si hai ki the people are very much close to their parents, so wahan par ye jo family bonds hain they are very much strong,
So parents or the grandparents, they kept on educating the children that they must need to save and all, you know, these kind of things. The prices ki baat hui, income ki baat hui. Then comes the income distribution ki baat karte. Different हमारे सामने society में जो groups exist कर रहे होते हैं जी, उनमें ये जो income distribution है जी, ये एक बड़ा एक important सी एक चीज है. इसके अंदर organization या बल्कि country has to play an important role जी. उसने ये देखना है कि किस तरीके से even distribution of wealth हो, जिसकी वजह से जो एक reasonable या एक decent जो life standard है उसको maintain किया जा सके among different people जी. कंज्यूमर साइकोलॉजी है जी, ये भी एक बड़ा इसके अंदर चीज आ जाती है. दैट आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ब्रांड. तो अब वो दैट इफ दैट पर्टिकुलर ब्रांड यू डोंट हैव इनफ मनी, वो नीड वांट की बात आ जाती है. दैट इफ यू वांट समथिंग यू डोंट हैव मनी, यू बोरो मनी, यू परचेज दैट थिंग, तो आप उसकी उसकी उसको उसके बेनिफिट्स को उतना अवेल नहीं करते जितनी उसकी कॉस्ट को बियर करना पड़ जाता है आप. तो इस तस्वीर में भी आप देखें कि इन्होंने ये बड़ा एक जबरदस्त किस्म की गाड़ी दिखाई हुई है. सो इफ योर इनकम डोंट अलाउ यू टू परचेज दिस कार, तो परचेजिंग कार समथिंग डिफरेंट एंड मेंटेनिंग द कार समथिंग डिफरेंट, तो फिर मुश्किल भी हो जाएगा जी. ठीक है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट वो एक्सपेंसिव हो जाएगी. सो कंज्यूमर साइकोलॉजी दिस इज अगेन. तो इसके अंदर भी हमारे पास जैसे ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो रहा है कि जिसमें कंपेरिजन है, प्राइस का है, क्वालिटी का है. हम लोग डिफरेंट क्वांटिटीज को भी कंपेयर करते हैं कि जी इसका यूजेज हमारे पास कितने देर के लिए रहेगा. तो वो फिर कंज्यूमर साइकोलॉजी की वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं. दिस इज सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट जी. तो इसके अंदर देर आर सिक्स डिफरेंट फैक्टर्स जी, सोशियो कल्चर जी, जिसमें सोसाइटी भी आती है और कल्चर भी आता है. इसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? लेट स्टार्ट फ्रॉम वन थिंग जी, नेचर से स्टार्ट करते हैं. इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बात करते हैं जी, कोई ऐसी चीज ना करें जिसकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट को थ्रेट हो जी. हम लोग कोई भी ऐसा जैसे वो करते हैं उसको किसी कोई ऐसी चीजें जैसे पेट बॉटल्स यूज होनी शुरू हुई थी बिकॉज जो प्रीवियस बॉटल्स देवर नॉट अप टू द मार्क. प्लास्टिक की जो बॉटल्स थी और उसमें ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो किए जाते थे देवर नॉट गुड, और अब पेट बॉटल्स आती हैं. वो कहते हैं जिसकी क्वालिटी बेहतर होती है और उसके अंदर चीजें. इसी तरीके से ये जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये भी अगर आप इसको धूप में रख देते हैं और धूप में अगर इफ दे आर एक्सपोज टू सनलाइट देन दे आर एक्सपायर्ड. और उसके अंदर दोबारा शायद थोड़ा सा डेविएट कर गया जी, नेचर की बात जब हम लोग करते हैं तो हमें ऐसी चीजें नहीं प्रोड्यूस करनी चाहिए जो नेचर के लिए डेंजरस हों जी. लाइक शॉपिंग बैग्स जैसे एलिमिनेट हो रहे हैं जी वर्ल्ड ओवर. हमारे यहाँ पाकिस्तान में इनिशियल स्टेज के ऊपर, इनिशियल लेवल के ऊपर ब्लैक शॉपिंग बैग को इलिमिनेट किया गया. देन कम सोसाइटी जी. सोसाइटी के अंदर हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जी, सोसाइटी के अंदर हमारे पास लोग होते हैं जी. वो किस तरीके से हमारी परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जी, वो ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. यूनिवर्स की बात कर लेते हैं, अदर्स की. ये अदर्स में ना जी काफी सारे लोग आ जाते हैं जी. ठीक है, इसके अंदर मेरा ख्याल वो भी जैसे एनजीओज आ जाती हैं, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स और सारे के सारे जो हैं इसके अंदर वो एक अहम किरदार अदा करते हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि उसको कम से कम अफेक्ट करें जी. ये जो डेंजरस मटेरियल है जी, जिसको हम लोग रिवर्स में या कैनाल्स में जो ऑर्गेनाइजेशन है जी उस वेस्ट को डंप कर देते हैं जी, इट्स वेरी डेंजरस. अगेन ये जो स्मोक इन्वायरमेंट में शामिल होता है जी ड्यू टू प्रोसेसिंग. तो आजकल अब इन्वायरमेंटल जो रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन है दे आर वेरी वेरी एक्टिव. गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी इनिशिएटिव स्टेप्स लिए गए हैं और ये कहा जाता है कि अपने वेस्ट को इस तरीके से प्रोसेस करें कि उसका नेगेटिव इफेक्ट कम से कम हो जी. इन्वायरमेंटल रेगुलेशन हमारे पास मौजूद है, आपने ISO सर्टिफिकेशन देखे होंगे जी, डिफरेंट उसके अंदर है. Then comes technological environment, accelerated pace of change, unlimited opportunities, or R&D spending, research and development spending. Technologically, बहुत ज्यादा advancements, developments हो रही हैं. सऊदी अरब का कहा जाता है कि जी जर्मनी से उनकी जो fuel consumption है वो ज्यादा है, और वो जो fuel consumption है उसका एक reasonable portion जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ऊपर उन्होंने उसको उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं. सो नाउ
they are educated that you must install solar energy panels, कि आप alternative energy sources के ऊपर आप shift हो जाएंगे, so that we can conserve, we can save the fuel and all these things. इसी तरीके से आप telecom sector में देख लेते हैं जी, आप इसके अंदर देख लेते हैं, computer industry में देख लेते हैं, आप even garments में देख लेते हैं, आप automobile sector में देख लेते हैं, आप जिस जगह के ऊपर भी देखते हैं, you come up with something very unique, very different जी. तो हमारे पास उसमें टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती जा रही है जी, डेवलप होती जा रही है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आर देयर जी उसके अंदर. आपके पास यू कैन फर्दर पेनेट्रेट, द ऑर्गेनाइजेशंस कैन फर्दर पेनेट्रेट इन द करंट मार्केट विद द करंट प्रोडक्ट, दे कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स फॉर द करंट मार्केट और दे कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट मार्केट्स जी, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जी खुद को. तो उसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें जी, R&D, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग है जी, इसके अंदर दे कैप्ट ऑन स्पेंडिंग. और आप देखें कि ये जो फ्यूल कंजम्पशन है, इसको बड़ा एफिशिएंट करने के लिए कितनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर की, और उसका बेनिफिट एट लार्ज कितने सारे लोगों को हुआ, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन को हुआ, एंड हाउ पीपल आर अवेलिंग दैट बेनिफिट. ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो है कि इसके अंदर हाइब्रिड कार्स हमारे सामने आई हैं, या इलेक्ट्रिक कार्स हमारे सामने आ रही हैं, या अब कोशिश ये भी की जा रही है जो सोलर एनर्जी के ऊपर लेकर चले, या किस तरीके से. तो ये सारी की सारी चीजें, दीज आर फ्रूटफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन जी. पोलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट जी, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जी, रेगुलेटर्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि ये कहते हैं कि जो लॉज पास किए गए हैं असेंबली में, उसकी इन्फोर्समेंट, इसकी इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है जी. और उस इन्फोर्समेंट के ऊपर, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जी, उसके अलावा हमारे पास पैमरा है जी, हमारे पास ओग्रा है, ये तमाम के तमाम लोग क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि अपनी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर वो लेजिस्लेशन, वो लॉज जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बन चुके हैं जी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करते हैं जी. स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जी, और ये इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं, ये एनवायरमेंट के हवाले से भी हो सकते हैं, ये कुछ लेबर लॉज को भी इम्प्लीमेंट करवाते हैं, कुछ और इदारे होते हैं कि वो तमाम जगहों के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जहां पर किसी भी जगह के ऊपर अगर एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको अवॉइड किया जाए, उसको एलिमिनेट किया जाए, और अगर वो किसी जगह के ऊपर एनवायरमेंट के हिसाब से उसको उसमें कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए. इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे जी, और वो एक बड़ा एक नेचुरल सा फिनोमिना आपने भी देखा होगा पिछले दिनों इंग्लैंड में हुआ था, जो हलाल और हराम का जो एक कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, वो जो हलाल के ऊपर मुस्लिम्स हम बिलीव करते हैं, या हम वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं जो कि हलाल इन्ग्रीडियंट से प्रोड्यूस की जाती है, तो उसकी चेकिंग के ऊपर और वो सारी चीजें, वो भी एक बहुत ज्यादा, और हलाल सर्टिफिकेशंस के ऊपर काफी ज्यादा काम हो रहा है. और आप ये देखते हैं जैसे इवन मैकडॉनल्ड्स में भी आप जाते हैं तो वो गालिबन मलेशिया से वो सर्टिफिकेट है जो उनको इशू हुआ है रिगार्डिंग द कंफर्मेशन दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग हलाल इंग्रीडियंट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स जी. तो ये सारे जो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप है जी, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जी. फोरकास्टिंग एंड डिमांड मेजरमेंट की बात करते हैं जी, मार्केट की बात करते हैं, साइज, ग्रोथ, प्रॉफिट पोटेंशियल जी. मार्केट का साइज क्या है जी, टारगेट ऑडियंस कौन है जी आपके. जैसे अभी बात कर रहे थे कि जी 19% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन फॉल्स विद इन द एज कैटेगरी ऑफ 15 to 24 जी. ये जो एज ब्रैकेट है, ये हमारे पास एशिया में कितनी है, ये हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में कितनी है, ये हमारे पास पाकिस्तान में कितनी है जी, किन किन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये लोग स्पेंडिंग करते हैं जी, जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये स्पेंडिंग करते हैं, हाउ दोज कंपनीज, दोज ऑर्गेनाइजेशंस कैन इनोवेट दोज प्रोडक्ट्स जी, ताकि दे कैप्ट ऑन स्पेंडिंग दोज प्रोडक्ट्स जी, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाते चले जाएंगे. जैसे पाकिस्तान में किसी दौर में, दोबारा मैं आपसे बात कर रहा था कि 15 to 20 or 30 यूनिवर्सिटीज थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जब यूनिवर्सिटीज आना शुरू हुई, और उसके अंदर जिसमें सबसे जो हमारे पास एक अपेरेंट एग्जांपल है जी, दैट इज लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, दे एस्टैब्लिश दैट इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे नो देयर ओन रिक्वायरमेंट्स जी. हमें
कौन से लोग इंडस्ट्री के अंदर चाहिए जी, उनका क्या सिलेबस या क्या किस पैटर्न के ऊपर हम उन लोगों को ट्रेन करें, एजुकेट करें, रादर डेवलप करें एंड एजुकेट करें, सो दैट दे कैन बी बेनिफिशियल फॉर अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दे एस्टेब्लिश लम्स जी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज जी। तो आप उस मार्केट के साइज को थोड़ा सा डिटरमिन कर लेते हैं, जैसे अभी बात कर रहे थे जी, गालिबन तकरीबन पाकिस्तान इज कंसिडर्ड एज ए यंग कंट्री जी, अ रीजनेबल परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज क्वाइट यंग जी, इसको पूरी दुनिया में बड़ा पॉजिटिव लिया जाता है जी, स्ट्रेंथ कंसिडर किया जाता है जी नेशंस के लिए, और उसके ऊपर ये करते हैं कि उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना है, चैनलाइज करना है जी किसी तरीके से। तो अभी आप देखें कि आपके पास एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दे आर इंक्रीजिंग बाय ऑल मींस जी, और वो जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं दे आर एड्रेसिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ दोज यंग कंज्यूमर्स और यंग पीपल, यंग पाकिस्तानी पीपल। फिर इसमें ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि 2030 तक उन्होंने एंटिसिपेट ये किया कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 15 to 40 दे विल बी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 2030 और इन 2030। तो वो उसके हिसाब से चीजों को डिजाइन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि जी इसको हम किस तरीके से इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉफिट पोटेंशियल की बात की है कि प्रॉफिट का पोटेंशियल कितना है जी, इसके अंदर हम लोगों को कितना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है जी ऑर्गेनाइजेशंस को, मार्केट के अंदर इस वक्त कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि कैटर फॉर नहीं कर रही, कंसिडर नहीं कर रही, एड्रेस नहीं कर रही कंज्यूमर की या कस्टमर की नीड्स को, उन नीड्स को हम कितना इंटेलिजेंटली फुलफिल करें ताकि हमारा मार्केट शेयर इंप्रूव हो। वंस मार्केट शेयर इज इंप्रूव्ड देन ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास जो फैक्टर आता है जी, मार्केट टाइप्स की बात करते हैं जी, पोटेंशियल मार्केट की बात करते हैं, बल्कि पेनिट्रेटेड मार्केट की बात करते हैं जी। जब आपके पास मार्केट ऑलरेडी अवेलेबल होती है और आप ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना इंटेलिजेंटली मार्केट करते हैं, उसके फीचर्स को इतना इंटेलिजेंटली आप हायर करते हैं, उसके फीचर्स को इतना ज्यादा इंटेलिजेंटली आप हाईलाइट करते हैं कि जो आपके कंपेटिटर का कस्टमर होता है वो दे स्टार्ट परचेजिंग योर प्रोडक्ट जी, उनको खरीदना शुरू कर देते हैं जी। आप सेम मार्केट में है लेकिन अपनी प्रोडक्ट को इस तरीके से आप प्रोजेक्ट करते हैं, उसको इनोवेट करते हैं। देन कम्स ई टारगेट मार्केट, किन लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, और जिन लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, आप हमेशा ये कोशिश करेंगे उसका जो मेजर कंपोनेंट है बल्कि वो सारे लोगों की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप फुलफिल कर सकें। इसमें छोटी सी चीज देखिएगा दैट हाउ इंटेलिजेंट दीज पीपल आर, कि आप किसी भी शॉप पर जाते हैं आप अपनी वेस्ट बताते हैं और वो जो आपको ट्राउजर देते हैं वो आपको उसकी फिटिंग 90% इट्स ओके, आप कॉलर का शर्ट का जो कॉलर है वो आप बताते हैं तो उसकी जो शर्ट आप पहनते हैं उसकी उसकी जो बाजू होते हैं या वो बाकी उसकी जो लेंथ होती है इट्स ओके विद यू। सो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ दोज पीपल जी। तो ये हमारे पास टारगेट मार्केट। देन कम्स जी अवेलेबल मार्केट होती है जी हमारे पास, एक हम उसको भी टारगेट नहीं कर रहे होते, जैसे देर इज समथिंग विच इज सेलिंग इन रावलपिंडी इस्लामाबाद और हम ये जानते हैं कि उसकी मार्केट लाहौर में भी अवेलेबल है। जैसे एक चीज आपको उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, दैट वॉल्स एंटर्ड इनटू द पाकिस्तानी मार्केट फ्रॉम कराची, वो कराची से फिर आगे बढ़ते चले गए, फ्रॉम साउथ दे केम टू सेंट्रल लाहौर तक पहुंचे, लाहौर से फिर देन दे केम टू रावलपिंडी इस्लामाबाद एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन पिशावर। तो मार्केट तो अवेलेबल थी लेकिन एक जगह से शुरू किया, इनपुट उनके पास आता चला गया कि यहाँ के लोगों की डिमांड क्या है, उसको अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते करते वो ग्रेजुअली उन्होंने सारे पाकिस्तान के अंदर अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जी। पोटेंशियल मार्केट जी, अब ये कैसी मार्केट होती है कि ये कस्टमर्स कंज्यूमर्स मौजूद होते हैं लेकिन किसी ने उनको एजुकेट नहीं किया होता है, दैट यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ आइटम्स जी। इन चीजों की जरूरत आपको भी है और आप इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये पोटेंशियल मार्केट की हम लोग बात करें तो उस पोटेंशियल मार्केट के अंदर जी, जैसे ही हम लोग उनको एजुकेट करते हैं, जैसे ही हम उनको टारगेट करते हैं, जैसे ही वेन वी स्टार्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर देम, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसका रिस्पॉन्स
फिर हम लोगों के पास हम लोग तक पहुंच जाता है। इनफैक्ट ये दिस इज अ वेरी यूजफुल टूल जिसमें एक कंपनी दे हैव 90 डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ हाईलाइटिंग डिमांड और ऑफ मेजरिंग डिमांड। देर आर 6 प्रोडक्ट लेवल्स, 5 स्पेस लेवल्स एंड देर आर 3 टाइम लेवल्स आर देयर। जब हम बात करते हैं टाइम लेवल की, तो उससे पहले भी हम लोगों ने कहा जी जो लेस देन 1 ईयर होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, 1 to 3 ईयर या 1 to 5 ईयर जो होता है जी वो मीडियम रेंज टाइम फ्रेम हम उसको कहते हैं, और जो 3+ या 5+ होता है उसको हम स्ट्रेटेजिक टाइम फ्रेम कहते हैं या उसको हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम कहते हैं जी। जब हम लोग देखते हैं जी प्रोडक्ट लेवल, प्रोडक्ट आइटम सेल्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्म सेल्स हैं, प्रोडक्ट लाइन सेल्स हैं, कंपनी सेल्स हैं, इंडस्ट्री सेल्स हैं, ऑल सेल्स इवन, बल्कि यहां तक है कि देर आर फ्यू रिपोर्ट्स पब्लिश बाय यूरोमोनिटर, अकॉर्डिंग टू दैट यूरोमोनिटर इंटरनेशनल या टोटल पर्सनल कंजम्पशन जो लोगों ने अपनी जाती जरूरियात के लिए जो चीजें इस्तेमाल की या जो स्पेंडिंग की कंजम्पशन, इन 2012 इट वॉज अराउंड मोर देन 40 trillion US dollar। तो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की अगर आप देखें कि फिगर है और उसके ऊपर कितना आपके पास डेटा या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो कंपनीज को अगर आप थोड़ा सा एंटिसिपेट करें कि कंपनीज के पास जो डेटा की इंफॉर्मेशन है वो कितनी ज्यादा रिफाइंड होगी और कितनी ज्यादा रिफाइंड फॉर्म के अंदर होगी कि वो उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन ले सके। स्पेस लेवल है जी, एक कस्टमर या एक कंज्यूमर की डिमांड क्या है जी, वो कस्टमर न्यूक्लियस फैमिली सिस्टम से भी हो सकता है, वो कस्टमर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम से भी हो सकता है, वो रूरल एरिया का भी हो सकता है, वो अर्बन एरिया का भी हो सकता है। फिर हम कस्टमर से ऊपर चले जाते हैं जी, टेरिटरी की बात कर लेते हैं, एरिया की बात कर लेते हैं, टेरिटरी से ऊपर हम लोग रीजन की बात कर लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के हवाले से बात हुई दैट इट इज सेग्रीगेटेड इनटू 3 regions जी, जिसमें इट स्टार्टेड कराची से स्टार्ट करते हैं जी, साउथ रीजन है, फिर आपके पास सेंट्रल रीजन है, एंड देन हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद इट फॉल्स इन नॉर्थ रीजन जी। जैसे इन्होंने यहाँ पर यूएसए की बात की हुई है, वर्ल्ड की बात की है, तो कंट्री वाइड हम लोग देख सकते हैं जी। इसके अंदर फिर एक और इंटरेस्टिंग होता है कि हम इसको थोड़ा सा अगर इम्प्रूव करें कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया इज पार्ट ऑफ एशिया, एंड देन फिर इस तरीके से उसको, फिर हमारे पास ये जो आजकल एक नई, जो नई तो खैर उसको नहीं कहनी चाहिए, इट वॉज क्वाइट ओल्ड, जैसे गल्फ है, एशिया पैसिफिक है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, तो वो उसको रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है जी वर्ल्ड को, और उसकी बेसिस के ऊपर ये देखते हैं कि वहां पर कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी क्या है डिफरेंट आइटम्स की जी, और उसके बेसिस के ऊपर फिर डिमांड को एंटिसिपेट करके और प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर मार्केट शेयर और कस्टमर बेस को एनहेंस किया जा सके जी। ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू 90 टाइप्स ऑफ डिमांड मेजरमेंट, और दोबारा इसमें कहेंगे जी इट इज समथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, बट डेफिनेटली व्हेन यू दैट दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव लॉट ऑफ इनपुट्स, तो उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे डिसीजंस या उस इंफॉर्मेशन के ऊपर की बेसिस के ऊपर, उस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें ली जाती हैं जिसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है दैट हाउ वी कैन केटर फॉर द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर इज आप जैसे देखते हैं कि आप किसी भी जाते हैं शॉप के ऊपर और आप ये बताते हैं कि जी माय वेस्ट इज लाइक 36, 38 or 34, आप उसको सिर्फ वेस्ट बताते हैं और वो आपको जो ट्राउजर सेल करते हैं जी उसकी लेंथ और वो चीजें मोर और लेस दे आर यू आर कंफर्टेबल विद दैट मेजरमेंट्स जी। आप शर्ट का साइज उसको कॉलर साइज सिर्फ बताते हैं तो वो जो शर्ट होती है उसकी जो लेंथ है, उसकी जो स्लीव्स की लेंथ है, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर फिजिक्स। सो जस्ट यू कैन इमेजिन दैट हाउ इंटेलिजेंट दोज कंपनीज आर इन एंटिसिपेटिंग दैट व्हाट इज द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। इसी तरीके से हम लोग ड्रिंक्स की बात करते हैं, इसी तरीके से आप एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर देख लीजिए दैट दे आर इनोवेटिंग देयर प्रोडक्ट्स जी, जैसे आपके पास नाउ यू दे हैव मेन्यू विद इन द एयरक्राफ्ट, वो आपको मेन्यू सर्व कर देते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी फूड और एनी डिश फ्रॉम दैट मेन्यू, और इसके अंदर फिर दैट्स हाउ द कंपनीज आर डाइवर्सिफाइंग एंड दे आर इम्प्रूविंग इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स।
एस्टिमेटिंग करंट डिमांड की बात आती है जी, पोटेंशियल बायर्स, वो बायर्स जो आपके पास अवेलेबल तो हैं, जो मार्केट में मैं इसको रिपीट करूंगा, एस्टिमेटिंग करंट डिमांड जी, पोटेंशियल बायर्स की बात करते हैं, दोज बायर्स विच आर ऑलरेडी इन द मार्केट जी, बट सम हाउ वो आपकी आइटम्स को, आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर रहे जी, किसी भी कंपनी या फैक्ट्री की, उनको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल, दे हैव द एबिलिटी, दे हैव द मनी टू परचेज अवर प्रोडक्ट जी, बट स्टिल दे आर नॉट, मे बी दे आर अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, मे बी दे आर यूजिंग अवर कंपेटिटर्स प्रोडक्ट. तो वो जो पोटेंशियल बायर्स होते हैं जी, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज परचेज क्वांटिटी के साथ जी. कितनी क्वांटिटी परचेज करते हैं जी, आप जाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, तो जब वो प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं जी, तो वो उससे इंफॉर्मेशन एक गैदर कर लेते हैं कि एक कस्टमर जो हमारे पास आता है जी, वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो कितनी चीज परचेज करके जा रहा है, तो जी एवरेज परचेज क्वांटिटी आ जाती है. देन द लास्ट वन इज जी एवरेज प्राइस. इन तीन कंपोनेंट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो द रिजल्टेंट वी गॉट दैट इज नोन एज टोटल मार्केट पोटेंशियल. उस मार्केट पोटेंशियल को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि कितने लोग ऐसे मार्केट में मौजूद हैं, ईदर दे आर नॉट अवेयर ऑफ अवर प्रोडक्ट, ईदर दे आर यूजिंग कंपेटिटर्स प्रोडक्ट, और ईदर दे आर यूजिंग सब्स्टिट्यूट जी. सो लेट्स टारगेट दोज पीपल एज वेल, सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम एडवांटेज फ्रॉम द कंपनी, और so that we can get maximum advantage from the market ji. Area market potential hai ji, world is yours ji. Company hum usko kehte hain ki ji, wo ek chota sa region se leke, jaise hum ye kehte hain ki ji Islamabad se lekar, that the whole world is the market for Pepsi, the whole world is the market for McDonald's, the whole world is market for Levi's. Isi tarah se you can name the company. और फिर उसमें ये देख लेते हैं, जैसे हमारे पास देर आर फ्यू कंट्रीज जहां पर स्नो फॉलिंग या जहां का जो वेदर है इट इज क्वाइट कोल्ड, तो वहां पर फिर वो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे ये मलेशिया इंडोनेशिया, उस बेल्ट के ऊपर है जी, ट्रॉपिकल है, तो वहां पर फिर प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगी. हमारे पाकिस्तान में वी हैव ऑल फोर सीजन, सो दे नीड टू मेक अवेलेबल ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच अकॉर्डिंग टू सीजन जी, वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. तो पूरी वर्ल्ड आपके पास मार्केट है जी. इसके अंदर एक चीज और भी मैं आपसे कहूंगा कि जब आप पूरी वर्ल्ड को एज अ मार्केट कंसिडर करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि आपको जहां जहां से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या उस रॉ मटेरियल को किसी दूसरी जगह के ऊपर ले जाकर प्रोसेस कर लेना फिजिबल होगा, या उस रॉ मटेरियल को वहीं पर कोई फैक्ट्री लगाकर उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिनिश गुड लगा देना, बना देना फिजिबल होगा जी. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी जी. हमारे पास जो नेक्स्ट है जी, दैट इज एस्टिमेटिंग फ्यूचर डिमांड जी. हम एस्टिमेट करते हैं जी कि फ्यूचर डिमांड क्या है, वो हमारे पास क्या इनपुट आ सकता है जी, वो हमारे पास सेल्स फोर्स ओपिनियंस हो सकते हैं. क्या ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, क्या डेमोग्राफिक्स चेंज हो रही है, क्या कस्टमर या कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी है, क्या हम एडवर्टाइजिंग कंपेन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, हम किस तरीके से, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग इनहेंस करेंगे एडवर्टाइजिंग कंपेन में, तो इवेंचुअली हमारी सेल्स इंप्रूव हो जाएंगी. ये सारी की सारी बात बताते हैं जी सेल्स फोर्स ओपिनियंस. आपको एजुकेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को बताते हैं दैट हाउ वेल दे कैन बी सक्सेसफुल इनटू द मार्केट बाय कंसिडरिंग दीज फ्यू थिंग्स जी. पैकेजिंग की कंप्लेंट्स आ जाती हैं जी. उसके अलावा आपके पास कलर स्कीम्स और सारी की सारी चीजें, मैं दोबारा आपसे कहूंगा कि सेल्स फोर्स ओपिनियंस कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि वो ये तमाम लोग जो कि कन्वीनियंस आइटम्स को डील करते हैं, जैसे यूएचटी मिल्क है जी, ऑलपर्स की बात कर रहे थे, ये हम लोग नेस्ले की बात करते हैं जी मिल्क पैक में, या हम लोग और कुछ जो हमारे पास लोकल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अगर कभी आप जाकर देखेंगे उनके जो सेल्स फोर्स आती है, हाउ एक्टिव दोज पीपल आर, वो किस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करते हैं या इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम अ शॉपकीपर, फ्रॉम अ स्टोर कीपर, और फ्रॉम एनी पीपल हु आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट जी. नेक्स्ट थिंग इज बायर्स इंटेंशन जी. ये इंटेंशन क्या चीज होती है जी, ये मोटिवेशन होती है जी.
अब वो मोटिवेशन कैसे हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं? दैट मोटिवेशन जैसे कहते हैं जी सोशलाइजेशन एजेंट्स हैं, जैसे पेरेंट्स, पीयर्स, मैस मीडिया, दे आर इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स जी। कुछ जगहों के ऊपर नेबर्स को भी कंसिडर किया जाता है जी। अच्छा, अब जब आप उनसे हमारे जैसे पाकिस्तान में या एशिया में कल्चर है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, उस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स आर नॉट ओनली कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेरी गुड स्पॉन्सर एज वेल जी। आपको किसी चीज की जरूरत है तो जस्ट इफ दे केम टू नो दैट यू नीड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो वो आपको आपके घर के ऊपर या आपके कमरे में उसको पहुंचा देते थे। मोटिवेशंस आपने देखनी है। If you are living in a nucleus family, if you are earning a very handsome amount of money, तो उसमें भी क्या होता है, जैसे हमारे पास यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर, although उसके ऊपर भी कहा जाता है कि जी वो चेंज हो रहा है, now parents are requesting or the parents are motivating their children to stay with them and they take care of them very well, उनको सारी की सारी चीजें provide करते हैं, ये offer करते हैं। लेकिन nucleus फैमिली सिस्टम में वो लोग जो रह रहे हैं, वंस दे स्टार्ट अर्निंग अ हैंडसम अमाउंट देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग लेविशली जी, बहुत दिल खोल कर खर्च करते हैं जी पैसे। और वो जो दिल खोल कर खर्च करते हैं जी, उसमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच आ जाती है जी, मटेरियलिज्म का भी आ जाता है, जो कि सोसाइटी में फिर लोग इंस्पायर होकर फिर उस तरफ चले जाते हैं जी, जिसमें इम्पल्सिव कंपल्सिव बाइंग की बात आ जाती है, ये लोग फिर हैवी स्पेंडिंग करना शुरू करते हैं ऑन लग्जरीज जी। एक चीज हमारे पास और आती है जी, पास्ट सेल्स एनालिसिस आते हैं। ये जो पास्ट सेल्स एनालिसिस हमारे पास आते हैं, प्रीवियस हम लोग ये देख लेते हैं कि मंथली हमारे पास क्या सीजन हुआ था, लास्ट सेल्स हुई थी, लास्ट सीजन में हमारे पास क्या सेल्स हुई थी या लास्ट ईयर हमारे पास क्या सेल्स हुई थी, उसकी बेसिस के ऊपर आप एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर डिमांड को। और फ्यूचर डिमांड को जब आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फिर आप चीजें देख रहे होते हैं दैट हाउ यू कैन सेटिस्फाई और हाउ यू कैन फुलफिल दोज डिमांड्स। ये एक कंपनी कैसे उसको कर सकती है जी, को टेस्ट के अंदर चेंज आ रहा है जी, एज के अंदर चेंज आ रहा है, जैसे प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था जी, डेमोग्राफिक्स के अंदर किसी तरह के भी कोई चेंज आ रहा है, जैसे एजुकेशन इंप्रूव हो रही है जी, तो वो सारी की सारी वो सेलिंग पैटर्न जो है वो उसको अफेक्ट करेंगी। और जब उसको अफेक्ट करेंगी सो देयर एन ऑर्गेनाइजेशन दे मस्ट नीड टू टारगेट दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट दो सेलिंग पैटर्न्स। एक चीज हमारे पास और आती है जी, फोरकास्टिंग। हम कैसे फोरकास्ट करें जी, हम सीजन की बेस के ऊपर करेंगे, जैसे अभी शुरू में आपसे बात हुई थी इस लेक्चर के जैसे शुगर केन है हमारे पास, कॉटन है, शुगर केन है हमारे पास, कॉटन है हमारे पास, वीट है हमारे पास, राइस है, जैसे शुगर केन है, राइस है, कॉटन है, वीट है, दीज प्रोडक्ट्स आर सीजनल प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। और जब ये हमारे पास सीजनल प्रोडक्ट्स हैं तो क्या होता है कि आप इसको एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर परचेज करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जी, ज्यादा वक्त के लिए इसको कंज्यूम करते हैं जी। तो वो रॉ मटेरियल आप वंस इन अ ईयर परचेज करते हैं और फिर आप उसको You make use of that raw material जी। अच्छा, अब हमारे पास दूसरी तरफ कुछ और भी ऐसी चीजें, जैसे हम लोग अभी कार्स की बात कर रहे थे कि स्टील जो है वो थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है या प्लास्टिक थ्रू आउट द ईयर अवेलेबल है, तो फिर ये जो फोरकास्ट करते हैं कि जी हम लोगों ने इनपुट्स कैसे एक्वायर करने हैं और आउटपुट्स कैसे। और ज्यादा फोरकास्टिंग की बात यहां पर ऊपर भी अगर आप देखेंगे स्लाइड का जो टाइटल है दैट इज फ्यूचर डिमांड, कि हमारे पास मार्केट की डिमांड क्या है जी, लोग क्या चीज परचेज करना चाह रहे हैं और उस परचेज को हम लोग कैसे केटर फॉर कर सकते हैं जी, कैसे हम लोग उसको एड्रेस कर सकते हैं। द लास्ट वन इज जी एक्सपर्ट ओपिनियंस जी। हमारे पास इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री में मार्केट में भी एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो कि आपको बहुत कीनली मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं एंड दे केप्ट ऑन advising you, they kept on telling you कि जी ये सारी changes हमारे पास market में exist कर रही हैं, so हम लोगों को इन changes को consider करना है और इनको consider करने के लिए we need to align our products according to those changes। ये this is something regarding जो हम लोग बात कर रहे थे जी शुरू में, जहां से हमने debate शुरू की थी या discussion शुरू की थी, that was collection of information and that's how we forecast the demand जी।
हमारे पास इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा इंटेलिजेंटली हम डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं। हम ना सिर्फ ये कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फर्दर उनको हम लॉयल कर सकते हैं, ब्रांड लॉयल कर सकते हैं, बल्कि हम लोगों जो पोटेंशियल कस्टमर्स मार्केट में एग्जिस्ट करते कर रहे होते हैं जी, हम उनको भी अपने पास लेकर आ सकते हैं। सो द कंपनी नीड टू असेस दिस इंफॉर्मेशन क्वाइट इंटेलिजेंटली एंड दे हैव टू लिव क्लोज टू देयर कस्टमर्स और देयर कंज्यूमर्स जी, सो दैट दे कैन एस्टेब्लिश वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर सेंटीमेंट्स, अबाउट द चेंजिंग, अबाउट देयर चेंजिंग टेस्ट, अबाउट एवरीथिंग जी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिमांड फोरकास्ट। आई एम श्योर दैट टूडेज डिस्कशन इज क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू। आई एम थैंकफुल एंड होप दैट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अनदर न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।